सर्विस रोड के सर्विस रोड पर दोनों तरफ भरा बरसात का पानी कई वाहन गड्ढे में गिरे। हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे के निधड़ मोड़ से लेकर 14 नंबर पुलिया तक बरसात का पानी सर्विस रोड पर भरने से रायगिर और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्विस रोड किनारे स्थापित दुकानदारों को भी सर्विस रोड पर भरे पानी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों को पानी के अंदर से दुकानों में जाना पड़ रहा है। ज्यादा बारिश होने से पानी दुकानों में भी भर जाता है, जिससे दुकान में रखे सामान तक खराब हो जाते हैं। आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है, हर साल बारिश के दिनों में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। यह सारी लापरवाही जेडीए प्रशासन व हाईवे ठेकेदारों की लापरवाही के चलते देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार स्थानीय वार्ड 4 की पार्षद राजू देवी सैनी ने बताई कि हर साल बरसात का पानी 14 नंबर पुलिया से लेकर निधड़ मोड़ तक सर्विस रोड पर भर जाता है। कई बार बरसात अधिक होने से पानी हाईवे पर आ जाता है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं कुछ दिन पहले जेडीए द्वारा नाला बिछाने का कार्य भी किया गया था, जहां बरसात के कारण काम को बंद कर दिया गया और अब गहरे गड्ढे सर्विस रोड किनारे हो रखे हैं, जिससे आए दिन उनमें वाहन चालक गिरकर चोटिले हो रहे हैं। इस संबंध में जेडीए प्रशासन व हाईवे प्रशासन को लिखित में कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है और आए दिन वाहन चालक व रायगिर पानी में गिरकर चोटिले हो रहे हैं। मंगलवार को भी एक मोटरसाइकिल सवार युवक सर्विस रोड किनारे बने गड्ढे में गिर गया, जहां आसपास के लोगों ने दौड़कर उसे बचाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब इस पर ध्यान लगाएगा, ऐसे ही सर्विस रोड पर पानी भरेगा या लोग चोटिले होते रहेंगे।